ओलंपिक्स जारी है और खिलाड़ी अपने स्तर पर अच्छा प्रदर्शन भी कर रहे हैं, पर हमारा मीडिया खिलाड़ियों को कम और प्रधानमंत्री मोदी को ज्यादा जगह देता है। ओलंपिक्स में जाने से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने खिलाड़ियों से बात की तो मीडिया ने इसे बढ़ा चढ़ाकर बताया। आज राजनीति के सबसे बड़े खिलाड़ी यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओलंपिक्स में भाग लेने वाले भारतीय खिलाड़ियों के साथ एक संवाद किया और बड़ा दिलचस्प संवाद था। प्रधानमंत्री मोदी ने इन खिलाड़ियों से ऐसी ऐसी दिलचस्प बातें पूछी जिनके बारे में शायद आपको भी नहीं पता होगा, और इन दिलचस्प सवालों का इन खिलाड़ियों ने उतना ही दिलचस्प जवाब भी दिया। टाइम्स नाउ पर इंटरव्यू करते समय एंकर ने ओलंपिक्स के खिलाड़ियों की जीत का श्रेय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर को ही दे दिया। ठाकुर जी नमस्कार। अनुराग ठाकुर जी, आप हमारे साथ आज जुड़े हैं ऐतिहासिक दिन पर। ऐतिहासिक दिन इसलिए क्योंकि हॉकी टीम भी सेमीफाइनल तक पहुंच गई है और पीवी सिंधु ने कांस्य पदक जीता है। आपके आते ही जैसे बौछार हो रही है मेडल्स की। पहले भी चानू ने सिर ऊंचा कर दिया था, लवलीन ने किया, अब पीवी सिंधु, हॉकी टीम का भी बेहतर प्रदर्शन है। इतना ही नहीं, अगर प्रचार पर ध्यान दे तो बीजेपी आईटी सेल ओलंपिक्स में जीत का श्रेय प्रधानमंत्री को ही दे रहा था। इससे पहले जब भारत की टीम वर्ल्ड कप में अच्छा प्रदर्शन कर रही थी तो मीडिया इसका श्रेय भी मोदी को दे रहा था। चंद्रयान के वक्त भी मीडिया ने इसका श्रेय भी मोदी को ही दिया था। इसके बाद हमें होर्डिंग देखने को मिले जिसमें प्रधानमंत्री मोदी की बड़ी तस्वीर लगी थी, जिसमें फ्री वैक्सीन के लिए प्रधानमंत्री मोदी का धन्यवाद किया जा रहा है। मोदी सरकार की नई कैबिनेट में ओबीसी श्रेणी के लोगों को मंत्री बनाए जाने पर धन्यवाद के पोस्टर भी लगे हुए हैं। इसके बारे में अधिक जानकारी रवीश कुमार ने अपने प्राइम टाइम में दी। लखनऊ में जो होर्डिंग है उसे किसी ओबीसी वेलफेयर एसोसिएशन ने लगाई थी। दिल्ली में लगी इस होर्डिंग में 11 महिलाओं के मंत्री बनने का ऐलान है, लेकिन होर्डिंग में 11 महिलाओं को जितनी जगह मिली है उससे ज्यादा प्रधानमंत्री को मिली है। अब ये होर्डिंग लखनऊ से आई है, कमल के निशान है मगर बीजेपी का नाम नहीं। इस पर लिखा है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में ओबीसी समाज के 28 नेताओं को शामिल करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी का आभार। 28 मंत्री हैं मगर तस्वीर 14 की ही लगी है क्योंकि किनारे प्रधानमंत्री की जगह तय है। इन 14 ओबीसी मंत्रियों में से 3 महिलाएं भी हैं जो दिल्ली वाली होर्डिंग में महिला मंत्रियों के कोटे में भी गिनी जा चुकी है। भारत सरकार ने खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाने के लिए एक अभियान शुरू किया, चीयर फॉर इंडिया, ताकि आप सभी इस नारे के साथ खिलाड़ियों का जोश बढ़ाते रहें। इस वेबसाइट के लिंक तक में प्रधानमंत्री का नाम है, इस पर जाते ही केवल प्रधानमंत्री मिलेंगे अकेले। इस बार वित्त वर्ष 2021-22 के लिए खेलों के बजट में कटौती की है। इस बजट में खेल के लिए कुल 2,556 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है, जो पिछले साल के बजट से 230 करोड़ रुपए कम है। एक तरफ मीडिया पूरा श्रेय मोदी जी को दे रहा है और दूसरी तरफ सरकार खेल का बजट ही घटा रही है। इस मुद्दे पर अधिक जानकारी अभिसार शर्मा ने अपने शो के जरिए दी। अनुराग ठाकुर ने ये कहा कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुरू किया, उसी का परिणाम है कि हमारे जो खिलाड़ी हैं बेहतरीन प्रदर्शन कर रही हैं महिला खिलाड़ी। तो मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि पीवी सिंधु जो है ना, पीवी सिंधु ने अपना करियर की शुरुआत की थी साल 2009 में। ये देखिए, साल 2009 में उस वक्त वो सिर्फ 14 साल की थी। उस वक्त भारतीय जनता पार्टी की सरकार दूर दूर तक नहीं थी और 2009 से उन्होंने देश का नाम रोशन करना शुरू किया। अब क्या आप उसके लिए भी क्रेडिट लेना चाहेंगे? कुछ तो शर्म कीजिए। और अगर आपको लगता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो है वो बहुत सफल नारा रहा है, तो अनुराग ठाकुर जी मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूं। आपकी स्क्रीन पर एक खबर देख रहे हैं, 8 साल की एक मासूम का जम्मू के कठुआ में रेप होता है और आपके ये दो मिनिस्टर्स बीजेपी के बलात्कारियों के पक्ष में रैली निकालते हैं। ऐसे होता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ? खैर मोदी जी भी स्पोर्ट्स खेलते हैं, आप खुद देखिए उनका ये वीडियो। अगर कुछ भी अच्छा हो तो मीडिया से प्रधानमंत्री मोदी की उपलब्धि बताता है, और अगर चीजें ठीक से ना चल रही हो तो बीजेपी नेता इसे नेहरू की गलती बता देते हैं। मध्य प्रदेश के मंत्री ने बढ़ती महंगाई का दोष नेहरू के भाषण पर लगाया। महंगाई एक दो दिन में नहीं बढ़ती,
अर्थव्यवस्थाओं की नींव एक दो दिन में नहीं रखी जाती। 15 अगस्त 1947 को लाल किले की प्राचीर से जवाहरलाल नेहरू जी ने जो भाषण दिया था, उसी भाषण की गलती के कारण इस देश की अर्थव्यवस्था बिगड़ी है। हमारी सरकार ने, नरेंद्र मोदी जी ने तो पिछले 6-7 सालों में इस देश की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ किया है। जब पेट्रोल डीजल के दाम 100 के पार हुए तो प्रधानमंत्री मोदी ने इसे पिछली सरकारों की गलतियां बताया। बीजेपी नेता ने देश में मुस्लिम पॉपुलेशन बढ़ने का कारण भी नेहरू को ही बताया। हमने देश का बंटवारा संख्या के आधार पे किया, यहाँ मुसलमान ज्यादा रहता हो पाकिस्तान, और ये हमारी धर्मशाला में सब रह सकते हैं। यहाँ पर ये नेहरू की मेंटेलिटी के कारण से आज हिंदुस्तान में फोड़ा चल रहा। जब हिंदुस्तान का विभाजन हुआ था तब पाकिस्तान में 23% हिंदू थे, 23% हिंदू। आज पाकिस्तान में केवल 2% हिंदू है, 2%। और यहाँ जो 9% थे आज 19% है। थोड़े दिन और रुक जाओ, अगर तुम्हारे ये 2 बच्चे होंगे और उनके अगर यही बच्चे 12 होंगे तो 70 साल के बाद इस हिंदुस्तान को फिर बांट के टुकड़े टुकड़े कर डालना, ताकि हिंदुस्तान का संस्कृति खत्म हो जाए। और अगर ओलंपिक्स में भारत गोल्ड मेडल जीतेगा तो मीडिया इसे मोदी से जोड़कर ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब टुडे टीवी। If you like our channel, please subscribe, and to get notifications about news, please click the bell icon.